2 अक्टूबर की सुबह मूसलाधार बारिश के चलते आर्मी के ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में मलबा घुसने से काफी नुकसान हो गया था। नुकसान को देखते हुए लग रहा था कि हफ्ते भर तक अस्पताल में काम शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन महज एक दिन के व्यवधान के उपरांत पॉलीक्लिनिक ने काम करना शुरू कर दिया है। क्लिनिक में कार्य शुरू करने के लिए ईसीएचएस कार्मिकों ने काफी मशक्कत की, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। इधर आर्मी कैंटीन में भी अगले दिन यानी 3 अक्टूबर से ही काम शुरू हो गया था। बार बार आ रही दिक्कत को देखते हुए अब मंडल सिरा से कैंटीन व ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को हटाने की मांग भी मुखर होती जा रही है। शुक्रवार को भी पूर्व सैनिकों ने कैंटीन व ईसीएचएस को हटाने की मांग प्रबंधक से की। हालांकि मकान मालिक मोहन राम आर्य ने कहा कि शिफ्ट करने का कोई मामला नहीं है, आर्मी को पूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंडल सिरा से कैंटीन हटाने की अनुमति आर्मी के उच्चाधिकारी से मिलती है अथवा नहीं। उतना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी पहले से ठीक है, पहले से ठीक है। व्यवस्था में उतना सुधार तो नहीं है, पहले से तकरीबन ठीक है, काम नहीं रुकता है, लेकिन थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों को परेशानी यहाँ पर बढ़ने की, वो रोड में खड़ा होना पड़ता है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है, एक्सीडेंट होने के खतरा रहता है, और कोई बूढ़े पुराने हैं उनको और परेशानी होती है, इसलिए जगह के हिसाब से ये परेशानी है। और पहले की अपेक्षा फिर भी ठीक चला रखा है, बिल्कुल सुटेबल चला है, सुटेबल चला रखा है। 1000 भी आ सकते हैं, 800 भी आ सकते हैं या 300 भी आ सकते हैं। हाँ, मैनेजर साहब की तरफ से यहाँ हमारे लिए फुल फैसिलिटी है। हाँ, सामान दे रहे हैं, सबके साथ सही व्यवहार है और सभी की शिकायत कंप्लेंट सुन रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। परंतु हमें कैंटीन के लिए बागेश्वर या किसी जगह कोई जगह चयनित हो और भविष्य में सबके लिए सुविधा मिले। लोग यहाँ कितने दूर दूर से आते हैं, उनको कितना यहाँ समय बर्बाद होगा। पिंडर घाटी यानी लास्ट हिमालय के तट से आ रहे हैं। कैंटीन में तो चलो 4 घंटा हम रहेंगे, अपना सामान कलेक्ट किया घर जाएंगे, परंतु यहाँ 3-4 दिन लग रहे हैं। जैसे अभी मौसम बरसात का है, रोड ब्लॉक है, और 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में ऐसा हो रहा है, तो आदमी का काफी खर्चा या समय की कीमत है ना अभी। हाँ, समय की बर्बादी हो रही है, इसलिए इस पर गौर करना अति आवश्यक है। ये एक्चुअली ये जो कैंटीन यहाँ पर आई है, वो हमारे मेजर जनरल साहब मेहता जी थे, वो यहाँ पे आए हैं। कहीं से उनको ये पता लगा कि यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग है, इसमें ईसीएचएस और सीएसडी कैंटीन दोनों अकोमोडेट हो सकती है। इस लिहाज से मेजर जनरल साहब ने यहाँ पर कैंटीन को और ईसीएचएस को जो है अकोमोडेट किया है, क्योंकि लोगों का रिक्वेस्ट थी कि कैंटीन भी और ईसीएचएस भी एक ही प्लेस में हो। उसको देखते हुए मेजर जनरल साहब ने ये जगह चूज करी है और इनको मैक्सिमम जगह हमने दी हुई है, और हमारी कोशिश भी ये रहती है कि आगे भी हम इनको जो है हर सुविधा दें। अब जो 2 तारीख को जो आपदा आई है, ऊपर से जो है कुंती गधेरा आने से वो आपदा आई है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो आपदा है, उसको हमारे बस की भी बात नहीं है रोकने की। हम कोशिश ये कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके मलबा हटाया जाए और जो आगे जो है लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब जो लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाली बात कर रहे हैं, इतनी जगह, इतना अकोमोडेशन, इतना गाड़ियों के खड़े होने की जगह और कहीं पर भी नहीं है। हमने नदीगांव में भी देखा और तहसील रोड में भी देखा है और बिलोना में भी देखा, इतना स्पेस कहीं पर भी नहीं है। अब लोगों को यहां से जाने की क्यों रट लगी हुई है, ये मेरी समझ में नहीं आती है। सुबह 4 बजे यहां पर लोग आ जाते हैं, जो कि और यहाँ पर जो कैंटीन का जो टोकन मिलता है हमें 8 बजे मिल, तब तक एक सीनियर सिटीजन इतने चक्कर काट नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात व्यवस्था यह है कि ये इस कैंटीन में कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये जगह ही नहीं है, तो जो हम लोग आते हैं हम कितने परेशान रहते हैं। ये दूर दराज से आदमी आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए कितनी परेशानी है आप ये देखिए, ये देखिए कि दूर दराज के लोग जो आते हैं यहाँ पर उनको कितनी परेशानी है, इस चीज़ का निराकरण
होना अवश्य है, जगह मिलनी चाहिए या जगह के लिए वो होना चाहिए। इतने बेनाम भूमि बने हैं, वहाँ बनाओ कैंटीन का व्यवस्था का, स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, सारी चीज बन रहा है, वहाँ पर कैंटीन बना दिया जाए ताकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यवस्था हो जाए। वहाँ पर मलवा भर गया था, उसको आप लोगों ने कैसे ठीक किया? एक्चुअली मैम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कोऑर्डिनेट किया था, जो आपदा प्रबंधन अधिकारी है उनसे भी बात हुई थी, तो उनकी तरफ से तो कोई ऐसी हेल्प हमें नहीं दी गई। हमने अपने स्टेशन हेडक्वार्टर, जो हमारे वो आई सी हैं ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर लक्ष्मण कर्नल सिंह, उनको इन्फॉर्म किया था। उसके बाद जो बिल्डिंग के ऑनर हैं, क्योंकि बिल्डिंग कॉमर्शियल है, वो हमसे रेंट ले रहे हैं, बिल्डिंग के ऑनर से हमने कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने चार लेबर हमें प्रोवाइड कर दिए थे। उसके अकॉर्डिंग हमने 2 अक्टूबर को भी अपने स्टाफ की थोड़ा हेल्प लेके, थोड़ा ड्रायर किया था यहाँ पर, ड्रायर करके क्लीनिंग करी थी, तो कल लेबर्स के हेल्प के बाद हमने इसको क्लीनिंग करवा लिया था। तो उसके बाद कुछ कंप्यूटर्स में मैम मॉइस्चर आ गया था, उसको हमने ड्राई करके आज सुबह ऐसे थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, आज से ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ कैंटीन में मलवा भर गया था, उसके कारण आपको और जो यहाँ कैंटीन में लोग आते हैं उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो अभी कुछ दिन, दो तीन दिन पहले जो कैंटीन में मलवा आया था, कैंटीन में तो फर्क पड़ा, इतना नहीं पड़ा जितना ECHS में पड़ा, ठीक है। और लेकिन जब दूसरे दिन सुबह मैं यहाँ पर आया और मैंने सोचा कि मैं कैंटीन को पहले एक दो दिन बंद करके पहले अपना सामान को जो ठीक से रेक्टिफाई करूँ और देखूँ और बाहर निकालूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर देखा मैंने सुबह 2 बजे रात से ही यहाँ लोग आना शुरू हो गए, जमवाड़ा लग गया, और लोग आके देखा तो यहाँ से लेके लास्ट तक जो है लोग थे। कुछ लोगों मैंने कहा आज मैं कैंटीन को बंद करता हूँ, लेकिन सबका यही कहना था साहब नीचे नीचे सामान भीगा हमें ऊपर ऊपर से दे दो, हैं जैसे दूध की मलाई मलाई ऊपर निकालते, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन मैं तरस आया मुझे, यहाँ पर लोग देखा 300-400 आदमी खड़े थे, एक दिन बीच में छुट्टी इंटरवल होने के कारण, छुट्टी होने के कारण जो है लोग ज़्यादा आए, और दूसरी बात ये फेस्टिवल दशहरा वगैरह इसकी वजह से लोग आए, तो मैंने ये अच्छा नहीं समझा कि मैं कैंटीन को बंद करूं। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए, इनके लिए मैंने कैंटीन को सुचारू रूप से खोला। अभी मुझे एक दो दिन का जो बीच में छुट्टी का अवकाश है, उस पीरियड में मैं अपने कैंटीन कर्मचारियों को बुला करके मैं कैंटीन का अंदर का जो मेरा सामान भीगा हुआ है जो भी है उसको मैं देखूँगा। तो जो हाउस ओनर हैं यहाँ पर मोहना मारिया जी, वो असिस्टेंट कमांडेंट हैं, वो अभी काफ़ी अब वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना पीछे से दीवार बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो हम देख रहे हैं कि वो दीवार बने अगले साल ऐसा यहाँ पर दोबारा देखने को ना मिले। CCN न्यूज के लिए बीना गड़िया के साथ सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।